यहाँ पर ये देखें, ये मेरा नाम लिखा हुआ है, दरमियान में आपको वाइट डॉट नज़र आ रहा होगा, तो ये वाइट डॉट है, यहाँ पर उसने निशानदेही की हुई है ट्यूमर की। ये डॉक्टर के जो है ना नीचे लिखा हुआ है, डॉक्टर साहब के सिग्नेचर भी हैं। ये 10/11, ये देखें T10 और T11 में उसने जो है ना निशानदेही की है कि इसमें जो है ना मसला है, वो जो डॉट नज़र आ रहा था ना उसमें, तो उसने यहाँ पर वाज़े किया था इस बात को। माशाल्लाह जी, सुबह की नाश्ते की चाय हाजर शुद, और अगर किसी दोस्त अहबाब ने चाय पीनी हो तो वो भी हमारे साथ आके चाय ताज़ा दूध की दूध पत्ती इंजॉय कर सकता है। ये देखें जी, वो कहते हैं ना दिल होना चाहिए जवान उम्र की रखे, अभी खुद चलने फिरने की ताकत है नहीं, ये साइकिल पर आके बैठ गया है कि मैं इसको चला लूं। अब्दुल्ला क्या चले दे पियो, साइकिल चले दे पियो है। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम बीमारों को शिफा और तमाम ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी फरमाए, और अल्लाह पाक तमाम हाजतमंदों की हाजतें अपने गैब के ख़जानों से पूरी फरमाए, और अपनी नुसरत से तमाम अहल इस्लाम, अहल ईमान और तमाम हमारे देखने वालों को रहमतों से नवाजे। इसी दुआ के साथ मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और जिससे हमारी हौसला अफजाई होगी आपकी मोहब्बतों से, आपके प्यार से, आपके तावन से हमारा जो हमारा चैनल और हमारी कामयाबी है। तो प्यारे दोस्तों, इसी के साथ करते हैं आज का व्लॉग का आगाज़। प्यारे दोस्तों, जहां अल्लाह पाक ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा हुआ है, तो कुछ ऐसी बातें भी होती हैं ज़िंदगी में, हर किसी की ऐसे वाकयात ज़िंदगी में पेश आए हुए होंगे। मेरी ज़िंदगी में भी कुछ एक ऐसा वाकया है कि जो अभी भी सोच कर मैं मेरे ईमान को जो है ना ताकत मिल जाती है। वो इस तरह से कि कुछ वक्त पहले मैं बहुत ही अलील बीमार हुआ था, मेरा जो है ना रीढ़ की हड्डी का मसला हुआ था, उसमें ट्यूमर हो गया था, तो जिसका इलाज सिर्फ सर्जरी था। तो खैर, अल्लाह की करम नवाजी से उसका साइड इफ़ेक्ट था, वो ये था कि मैं जो है ना जैसे फालज की शिकायत होती है तो मुझे वो होने लगी थी। तो खैर, डॉक्टर ने इसके लिए बहुत सारी एहतियातें भी बताई। खैर, मैं उसके बावजूद, क्योंकि मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता था, मेरी ताकत से बहुत ज़्यादा था उसके अखराजात, तो मैं कुछ मायूस हो गया, मैं जो है ना एहसास कमतरी में चला गया। फिर अल्लाह का कुछ इस तरह से मुझ पर एहसान हुआ कि मैं एक दिन जा रहा था तो रास्ते में मैंने एक बंदे को देखा कि वो दोनों टांगों से माजूर रोड की साइड पे पड़ा भीख मांग रहा है। तो खैर, मेरे दिल में एक अचानक से ख्याल आया कि या अल्लाह, तेरी करम नवाजी है कि मैं तो चलो फिर चल फिर सकता हूँ, लेकिन ये जो इसकी तरह तो नहीं हूँ कि मैं कहीं पड़ा हुआ हूँ। तो खैर, उसकी वजह से मेरा ईमान जो है ना कुछ ताकत में आया और मैं अपने उस एहसास कमतरी से लड़कर बाहर निकला। तो मैं कहने का मकसद ये था कि हमें अपने इन नेमतों को शुमार करना है तो फिर हम अपने कम तर लोगों को देखकर इसका मुआवजा करें, ताकि हमें कभी ऐसे हालात का जो है ना सामना ना करना पड़े। तो यकीनन मैं भी इस बात से सबक लेता हूँ हमेशा, और अपने ईमान की वो ताकत देता हूँ, और यकीनन आप भी इंशाल्लाह इससे
जो है ना ज़रूर इस्तफादा करेंगे। और मैं अपने उन तमाम दोस्तों का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे इस वक्त में और अभी मेरा साथ दे रहे हैं और मेरे साथ हैं और मुझसे जो है ना अपनेपन का इजहार करते हैं। तो फिर से मैं उन तमाम का बहुत बहुत ही मशकूर हूँ। दोस्तों, इस तमाम बात का शेयर करने का मकसद कुछ ये था कि उस सर्जरी तो खैर अल्लाह की रहमत से मेरी हो गई, लेकिन उसके बाद जो मसले मसाइल हैं अभी भी मेरे साथ, तो उनके बारे में अगर, क्योंकि अभी मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहा कि मैं किसी दोबारा से अच्छे डॉक्टर को उसका चेकअप करवाऊं, और वैसे दवाई वगैरह तो लेता ही रहता हूं, लेकिन वो फ़ायदा या जो असल मेरा मसला है वो हल नहीं हो पा रहा। तो उसके लिए मैं आज अपनी रिपोर्ट शेयर कर रहा हूं। तो अगर कोई दोस्त इस मामले के बारे में कोई एक्सपीरियंस रखता है या कोई डॉक्टर वगैरह है, क्योंकि वो रिपोर्ट इंग्लिश में लिखी हुई है तो ज़्यादा मुझे भी समझ नहीं आती, तो उसके लिए मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें, या उसके लिए कोई अच्छा मशवरा वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये देखें जी, डिपार्टमेंट ऑफ डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एंड इमेज, निस्तर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुल्तान। तो यहाँ पर ये देखें, ये मेरा नाम लिखा हुआ है लेकिन अभी कुछ कलर मिटा हुआ है इसका। तो खैर, इसमें जो रिपोर्ट है वो भी दिखाता हूँ आपको। ये देखें जी, ये रीढ़ की हड्डी के एक्सरे हैं, इसमें इतना डैमेज हुई है रीढ़ की हड्डी, और इसमें ये देखें लेफ़्ट और राइट का जो ये हिस्सा दिखा रहे हैं, इसमें बहुत ही मुतासर हुआ है जिसम, ये हिस्सा देखें छोटा है और ये बड़ा हो गया, पिचक गया है। फिर उसने वो ट्यूमर का जो है ना ये यहाँ पर निशानदेही की है 11-12 में, ये यहाँ पर ये दरमियान में आपको वाइट डॉट नज़र आ रहा होगा, तो ये वाइट डॉट है, यहाँ पर उसने निशानदेही की हुई है ट्यूमर की। यहाँ इसमें उसने जो है ना करीब से टेस्ट किया है, एक्सरे लिए हैं। वैसे तो ये बहुत सारे एक्सरे हैं, ये बहुत सारे, ये देखें ये बहुत सारे हैं, सारों में जो है ना अलग अलग से उसने वो अपना हिसाब इसमें दिखाया हुआ है। ये देखें जी, लेकिन ये मेडिकल जानने वाला बंदा ही इसके बारे में बता सकता है कि ये क्या तरतीब है इसकी। और ये ऑपरेशन के जो है ना, ये वाइट डॉट आपको नज़र आ रहे होंगे, ये उन्होंने निशान लगाए थे ऑपरेशन के लिए, फिर इसका जो है ना एक्सरे लिया था। ये देखें, ये बॉडी का एक्सरे है लेफ़्ट और राइट, आप देख सकते हैं जो लेफ़्ट साइड है ये मेरे हाथ की साइड, ये लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है, इतना फ़र्क आ गया था बॉडी में। ये जी उसके वहाँ की रिपोर्ट है, उसमें ये देखें ये मोहम्मद इरशाद, और ये उसकी जो है ना नॉर्मल डोर्सल स्पाइन, उसमें ये जो है ना उसकी कंप्लीट रिपोर्ट है जो उन्होंने दी थी, ये देखें, ये डॉक्टर के जो है ना नीचे लिखा हुआ है, डॉक्टर साहब के सिग्नेचर भी हैं, ये 10-11, ये देखें T10 और T11 में उसने जो है ना निशानदेही की है कि इसमें जो है ना मसला है, वो जो डॉट नज़र आ रहा था ना उसमें, तो उसने यहाँ पर वाज़े किया था इस बात को। और यहाँ एक्सरे में भी ये देखें T10-11, इसमें जो है ना ये इस एक्सरे में जो है ना इस चीज़ की वजाहत कर दी है। और ये उस वक्त के डॉक्टर साहब जिन्होंने ये सारी तशखीस, ये देखें नीचे उन्होंने यहाँ पर सारी लिख दी थी, और इन्होंने ही असल बीमारी का जो है ना पता लगाया था, क्योंकि मैं बहुत अरसा इस इलाज में गुजार चुका था, बहुत परेशान भी था, तो इन्होंने बस अल्लाह की तरफ से जब रास्ता खुलता है तो फिर हो ही जाता है। फिर मैं निस्तर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, फिर वहाँ के जो डॉक्टर थे डॉक्टर अजहर महमूद, ये देखें अजहर जावेद हैं, मोहम्मद अजहर जावेद, इन्होंने मेरा जो है ना ऑपरेशन किया था, उनके साथ उनकी बाकी टीम भी होगी, ये जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं उनके ना, तो ये बस ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन थिएटर में मुझे जहाँ तक याद है कोई 6 डॉक्टर थे जिन्होंने
उसके बाद मुझे तो इंजेक्शन वगैरह लगा के सुला दिया, और पता नहीं कितने घंटे और कितना टाइम लगा था ऑपरेशन में। वो मेरे वाले साहब ही जानते हैं क्योंकि वही मौजूद थे। इसके ये सारी रिपोर्ट्स जो है ना ऑपरेशन से पहले उन्होंने करवाई थी, कुछ उनके जो मेडिकल अपने प्रोसेस थे वो भी पूरे किए थे ये वहाँ का जो है ना। और फिर ये हैं उनकी जो मेडिकल की डॉक्टर साहब ने तशखीस, और उनमें फिर ये जो है ना उन्होंने आखिरी रिजल्ट ये निकाला था कि इसमें टीबी की अद्वियात बाकायदगी से जारी रखें, ये भी उन्होंने आखिर में टेस्ट वगैरह करवाए थे। दोस्तों जब इंसान ठीक होता है ना तो वो खुद को बहुत बड़ी चीज़ समझ रहा होता है, और जब अल्लाह माफ़ करे कभी छोटी सी भी तकलीफ़ में मुबतला हो जाता है तो फिर उसको जो है ना पता चल जाता है कि मेरी औकात क्या है। तो खैर अल्लाह करम करे, इसके लिए जो है ना ज़रूर मुझे अगर कोई इस मामले के बारे में मालूमात रखता है तो वो ज़रूर मुझे गाइड करे, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं तो बहुत इंतहाई माकूल दिहाड़ी पर काम करने वाला बंदा हूँ। इससे पहले डॉक्टर साहब 1500 रुपये सिर्फ पर्ची फीस लिया करते थे, अभी तो गालिबन 3000 से भी ऊपर चला गया है क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जो वो नुस्खा देंगे उस नुस्खे का तो पता नहीं वो कितना महंगा या कितना होगा, क्योंकि जो नुस्खे वगैरह उन्होंने दिए थे अभी सिर्फ मैं दर्द की टैबलेट वगैरह यूज़ करता हूँ जो उन्होंने डेली बेस पर जो लिख के दिए थे। मुस्तकिल इलाज जो है ना वो नहीं कर पा रहा हूँ।